1040 ताले हैं। वो 1040 ताले किस सिस्टम में जी उसका शास्त्रों का नाम क्या है? जी बेटा मेरुखंड। आप अगर मेरुखंड की बात करते हैं तो मेरुखंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, करेक्ट? म्यूजिकली जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है वो मेरुखंड है। अगर आप मेरुखंड को 1 2 3 2 1 3 ऐसे कॉम्बिनेशन परमिटेशन करते हैं तो उसके एक सर्टेन नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, वो ही म्यूजिक है। लेकिन वो रागों में कैसे अप्लाई होता है, वो रागों में उसकी ताने कैसे बनती हैं, दैट इज अ सब्जेक्ट। तो मेरुखंड का परमिटेशन कॉम्बिनेशन का सिस्टम आप सबको याद है? किसी को याद है? चलिए मैं आपको एक सिस्टम सीधी सी बात बता देता हूँ। दो स्वरों के सा और रे के सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो सारे या रे सा, दिस नो अदर थर्ड। बस यही सिस्टम को आगे लेके जब आप तीन का चलते हैं तो छह कॉम्बिनेशन होते हैं। क्योंकि आप अगर इसको मैं ऐसे सिखा कहूँ आपको कि 1 2 3 2 1 3 तो आप तीन को दो बार ही एंड कर सकते हैं, सारे का रेसा का। There is no other combination third जो गा में एंड होता है, तो ये मेरुखंड है। तीन को तीन स्वरों के छः होते हैं, छः को अगर आप चार से मल्टीपल करेंगे तो 24 होते हैं, 24 को फाइव से मल्टी करेंगे तो 120 होते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। को अमीर खान साहब का नाम सब जानते हैं, उनका गाना पूरा मेरुखंड के ऊपर आधारित था, करेक्ट? तो आप देखिए कितना पसंद किया लोगों ने। मेरुखंड ही एक ऐसा गणित है जिससे आप बहुत सारी ताने बना सकते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस बना सकते हैं, बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इज मेरुखंड। किसी प्रकार में आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन अलाउ होता है, किसी में नहीं होता। ये तो उस बात को मैं आप लोगों को अगर कोई बात सिखा के जाना चाहूँगा दे चाहूँगा तो मेरुखंड पे ध्यान दें। आपको करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा एक टेबल म्यूजिक का सरगमों का हमें अपने किताबों से शास्त्रों से मिला है, प्लीज उसको ध्यान से पढ़ें, बहुत कुछ मिलेगा उसमें। रहा सवाल सीखने का करने का, देखिए मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने अगर कोई चीज़ सीखी और मुझे याद हो गई तो मैंने उसकी रियाज की थोड़े दिन, तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तैयार हो गई तो वो सिर्फ अभी पहले फ्यू मंथ्स सिर्फ मुझे याद हुई है, उसके बाद जब मैंने उस पर और रियाज की तो वो साफ हो गई, फिर और रियाज की तब उसमें असर आ गया तासी, जब वो मेलोडियस हो जाती है बात तो समझ लेना कि यू बिकम कंफर्टेबल ओवर देम। हाँ ये जरूरी है कि कौन कितना बजा रहा है उसको, कितना परसेंटेज गायकी आपके वाद्य में परमिट करती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एक लिमिटेशंस हैं, वो उतना परमिट नहीं करते। सी उत्तम गाना मध्यम बजाना निसट नाचना विकट बताना है पुराने कहावत। इसीलिए कहा गया कि गला जो है वो उत्तम इसलिए कहा गया था उसको क्योंकि सबसे पहले तो उससे भगवान का नाम लिया जाता है। जो शब्द निकाल सकता है वो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो है गला। बाकी सब स्वर निकाल सकते हैं, शब्द नहीं। इसीलिए हम उसे गायकी अंग कहते हैं, उसके जैसा कर रहे हैं। गायकी गा रहा हूं ये नहीं कह सकते कि मैं फ्लूट से गा रहा हूँ या सितार से गा रहा हूँ। यहाँ एक सिस्टम नहीं था विच इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्राइजेशन, है ना? ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक नहीं है हमारा, इसे इल्यूजन परफॉर्मिंग
लेटर ऑन वी अडॉप्टेड बाद में, जैसे बैंड नहीं हम, लेकिन उसको हमने अडॉप्ट किया, बनाना शुरू किया लोगों ने। आपने एक नाम सुना होगा मैहर बैंड, शुरू किया था, इट वॉज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। वो किस इसलिए उनको भी जो इंस्पायर हुए थे वो बिकॉज वो वायलिन भी बजाते थे, वेस्टर्न रोटेशन भी जानते थे, और उदय शंकर जी के बैले में वो म्यूजिक दिया करते थे, तो उनको ये कॉन्सेप्ट लगा के हाँ। तो हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्राइजेशन नहीं है, तो मैंने एक जगह किसी जगह में बात करा था लेक्चर पे, मैंने कहा कि मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ऑर्केस्ट्राइजेशन इंडियन म्यूजिक में ही है। देखिए एक आदमी वेस्टर्न म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रेशन, आजकल जो ऑर्केस्ट्राइजेशन होती है वो कैसे होती है, म्यूजिशियन अलग होते हैं, कंपोजर अलग होता है, कंडक्टर अलग होता है, करेक्ट, तीन आदमी मिलके एक काम करते हैं विच इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्राइजेशन, करेक्ट। कंपोजर ने लिख दी, कंडक्टर ने उनको सिखा दिया और वो बजा रहे, वो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन आप तो अकेले ही सब करते हैं, जब आप अकेले सितार लेके या साज लेके बैठे आप ही कंपोज करते हैं, आप ही कंडक्ट करते हैं और आप ही परफॉर्म करते हैं, तो वो तो 3-in-1 तो इंडियन म्यूजिक में ऑलरेडी ऑर्केस्ट्राइजेशन है। ऑर्केस्ट्राइजेशन क्या है, एक कंपोजिशन को एलैबोरेट कंपोज करना, जब आप राग बजाने बैठते हैं तो आप खुद ही कंपोज कर रहे हैं, थॉट्स वही टाइम पे बजा रहे हैं और आप खुद ही कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को लय के साथ, और आप खुद ही, तो ये तो सबसे बड़ा मूड का है। दूसरा मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि शायद मेरे ख्याल से आप लोग करते होंगे ऐसे सेशंस जो उस्ताद के गुरु के साथ रियाज करें बैठ के, शिविर की तरह, खाली क्लासेस हो गई, आपने सिखा दिया, बच्चे वो कुछ सब्जेक्ट लेके चले गए, लेकिन वो अगर आप हफ्ते में या महीने में दो बार बैठ के वो सेशंस करें कि जो आपको सिखाया है वो मैं भी आपके साथ गाता हूँ और बजाता हूँ और आप उसकी रियाज करें। देखिए रियाज उस्तादों ने करवाई है इसलिए हुई है। एक चीज और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूँगा, आपने देखा होगा हर इंस्ट्रूमेंट में जो ऑर्नामेंटल ट्विस्ट है जिसे हम मीन कहते हैं, मीन का काम, उसे मैं डेफिनेशन उसका ऐसा मानता हूँ कि वो कर्सिव राइटिंग है, कर्सिव राइटिंग, ठीक। ऑर्नामेंटल ट्विस्ट जो है, एक आदमी ने सीधे सीधे राइटिंग में वो लिखे और एक ने बड़ी हसी खूबसूरत राइटिंग में लिखा, तो कर्सिव राइटिंग के जो ऑर्नामेंटल ट्विस्ट है वो भी कर्सिव राइटिंग समझता हूँ। तो आप देखिए कर्सिव राइटिंग को जब सिखाया जाता है तो वो बच्चों के हाथ में दी जाती है, 6, 8, 5 स्टैंडर्ड में नहीं, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में दी जाती है, ताकि जब उनके हाथ नरम हों तब वो उनको ट्विस्ट आ जाए। तो मेरा मेरे घराने का ऐसा मानना है कि वेरी इनिशियली स्टेज में मीन सिखाई जाती है, चाहे वो किसी भी साज में हो, उसके लिए आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मीन का सब्जेक्ट आएगा वो हम बिलीव नहीं करते। तो जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ कड़क हो जाते हैं रियाज करके, फिर वो जो माय जो फाइन कर्सिव ट्विस्ट है, जैसे मीन मुर्गी जमजमा खटका लहक दहक कसर मसर, ये हाथों से निकल जाएगी फिर उस वक्त आती। तो जो बहुत इनिशियली बच्चे होते हैं उनको मीन सिखाना चाहिए, ये करवाई जाती थी अक्सर। एक कॉन्सेप्ट है कि भाई उस्तादों के बच्चे क्यों अच्छा बजाते हैं, शागिर्द क्यों नहीं बजाते, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। वो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद ये उनको अच्छा सिखाते होंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, ये वो पेशेंट होते हैं उस्तादों के बच्चे जो आईसीयू में रहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, ऑल द टाइम डॉक्टर की देखभाल में, इसलिए वो ठीक जल्दी हो जाते हैं और बाकी दवा लेके चले जाते हैं। तो बस इतना ही बात है इन लोगों में, क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। अगर आप उस्ताद घर में हैं, बाप उस्ताद जो भी है वो सो रहा है बैठा है, तो भी वो अपने बच्चों को देखता रहता है कि अरे बेटा ये गलत धंधा लग रही है, ऐसे नहीं करो, तो वो आईसीयू में है इसलिए उनकी तबीयत तो ठीक होना ही है, लेकिन जो खाली दवा लेके चले गए हैं, शायद बराबर टाइम पे दवा ले ली तो तबीयत भी ठीक बिगड़ जाएगी। तो ये मेरा ऐसा मानना है। अब बात रागों की, मेरी नज़र में राग सिर्फ स्केल नहीं होता, आप सब भी जानते हैं। मैंने बहुत सी बार लोगों को कहते सुना कि
It's not a scale, it's more than scale. What more than scale? वो है क्या? मुझे ऐसा रियाज करते समय, सीखते समय, सुनते समय लगा कि राग इज अ कैरेक्टर, राग इज आइडेंटिटी। भाई आप मेरे बारे में, असद के बारे में अगर आप किसी को डिस्क्रिप्शन देते हैं तो भाई असद भाई लंबे से हैं, गोगर वाले बाल हैं उनके, आपके दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, तो वो उनकी शक्ल आपके दिमाग में आ जाती है। राग एग्जैक्टली अ पर्सनैलिटी। जैसे हम बहुत सी बार बात करते हैं बच्चों को, मैं सिखाता हूँ, तो मैंने एक बार श्रुतियों के बारे में बात करते बच्चे, गुरु जी कितनी श्रुतियाँ हैं? सा रे का जो इंटरवल है वो ही पा धा नी का इंटरवल है। सा रे का जो फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस है वो ही पा धा नी का है, इसीलिए 4-3-2 इसकी है तो 4-3-2 उसकी भी होगी। बीच में आ गए एक स्वर मध्यम जो मूर्छना जिससे बन जाती है, इसीलिए मध्यम को 4 मिली, क्योंकि वहां से भी एक स्केल कायम हो जाती है। ये बहुत अच्छी सी बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यही याद करने लेने से ही आपको नॉलेज नहीं आ गया कि 4-3-2 है, ये तो इंफॉर्मेशन है कि वो 4-3-2 है, लेकिन आप जब राग गाने बजाने बैठते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि यमन की निखार किस श्रुति के ऊपर लगती है, वही ऋषभ भूप में कैसे लगती है, गंधार की श्रुति कौन सी श्रुति पे जो यमन में दूसरी श्रुति पे लगती है, तो वो गा बजा के आप, मैं इस बारे में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जब हम बात करेंगे। तो ये वो चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि बता देना इज नॉट द सिखा देना, उसे करवा देना। मैं रुद्रवीणा ट्रेडिशन से आता हूँ, बीकार घर आने का हूँ, तो मैं सितार रुद्रवीणा सरस्वती वीणा की रीमेक है, सितार उनका सो मदर ऑफ द सितार इज रुद्रवीणा एंड सरस्वती वीणा, सितार उनसे बना है, उन तो जो बहुत सारी टेक्निक है रुद्रवीणा की हम आते हैं, उसके 17-18 प्रकार है बजाने के। एक छोटी सी बहुत अच्छी आपको एक बार बताऊं, मीट सब जानते हैं आप, फिर मैंने एक उस्ताद गुलाबर खान साहब या महाराज सारंग के गुरु रह चुके हैं मुनव्वर खान साहब, बीन बजाते थे, जसंत सिंह जी महाराज भी बीन उनसे सीखे थे रुद्रवीणा, तो वो मुझे एक चीज सिखा रहे थे, मसक मीट मसक और कसक। मसक एक ऐसी ब्यूटीफुल टेक्निक है मीन की, तो मैंने जब पूछा उनसे कि वो क्या है, देखिए बेटा आप एक चीज आप नोट करिएगा, आप किसी भी चीज को कोई कपड़ा जब खरीदने जाते हैं आप है? तो आप कपड़े को ये ऐसे करके और देखते हैं ना टेक्सचर, कॉटन है, सिल्क है, ये जब स्वर पे खड़े होते हैं तो उसको वो एक स्लाइड ट्रिक है जिसे मसक कहते हैं, कि आप उसका टेक्सचर देख रहे हो सब बराबर है कि नहीं, वो भी रुद्रवीणा से आई हुई टेक्निक है। मीन तो आपने खींच लिया, लेकिन आप जब रुकते हैं स्वर पे तो उसका टेक्सचर देखने को कहते हैं मसक, उस स्वर को आप जब तक मसक नहीं रहेंगे तो वो खड़ा नहीं रहेगा, आपने खींच के आप वो बराबर है या नहीं, वो कॉटन है या सिल्क है, वो रे है या गा है, तो उसे जब मसक ना होगा, मीन मसक कसक लहक दहक फिर गमक बनी, लहक दहक दहक ना कहते जब ये जो दुर्गत से आई भी चीजें हैं जिस जो फ्लेम की तरह ऐसे होता है ना, दहकते बोलते ना आप, दहकती आग में से जो लपटे निकलती हैं उस पद्धति को दहक कहते हैं, लहर जो उठती है उनकी उनको उससे, उसके बाद उसकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तब उससे गमक हुई। गमक सिर्फ दो सरों का आंदोलन नहीं है, एक ब्यूटीफुल कसक और मसक का साथ का कॉम्बिनेशन है गलों से, ऐसे ही फिर कण है, वो कण उपकण लग रहा है या वो स्वर पीछे के कण से लग रहा है या आगे के कण से लग रहा है, फिर उसकी गमक बनी, फिर उसके खटके, दो तीन चीजें हमारे यहाँ पर्शियन म्यूजिक से आई, जैसे लहक है वो अरबिक और ईरानी पर्शियन म्यूजिक से आया है, मुर्गी जमजमा
ये पर्शियन म्यूजिक से आया है। हमारे यहाँ ध्रुपद में खटका मुर्की जमजमा नहीं होता। ध्रुपद गायन में मुर्की लेना आप सब जानते हैं। छत बनाते हैं, टेरेस से बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो पानी निकालने के लिए गौमुख या किसी ड्रैगन का मुख बना देते हैं ना, पानी को निकालने के लिए, उस चीज को तरफ कहते हैं, आउटलेट ऑफ द साउंड, उसको बाहर निकालने के लिए तनाव तरफ रखा गया। वो जो लगा हुआ होता है तरफ, वो तरफ कहलाता है, तनाव तरफ है, उससे ही मुतासिर होके इसे नाम दिया गया। क्योंकि साउंड को जब आप प्रोड्यूस करते हैं, बजाते हैं, तो वो तरफ वो बाहर निकाल देता है उस साउंड को, gives throw out the sound। पर्दा, हमारे यहाँ पर्दे का मीनिंग, पर्दे का सिंपल मीनिंग है डिवाइडर, आपके मेरे बीच में कर्टन, सरों को डिवाइड कर रहा है वो। लेकिन इनके पुराने नाम क्या हैं? शाबाश, जो बीना में रखती थी सरीकाएं, क्योंकि ये पर्शियन इनोवेशन है, इसलिए बहुत सारे नाम इसके पर्शियन में ही आज तक हैं। वो पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जाम्पल, एक जमजमा मुर्गी बजाने के लिए दो गुजरात, तीन गुजरात की जरूरत नहीं, एक ही गुजरात में होता है, देर से नहीं बजेगा। ऐसे ही मैं कल अपने शागिर्द आए, मेरे उनसे बात कर रहा था, आप अलाप जो है वो इन स्ट्रोक से ही बजा सकते हैं, आउट स्ट्रोक से नहीं होता अलाप। क्यों नहीं होता? उसका साइंस ये है कि जब आप पुल करते हैं और मिजराब से उल्टा स्ट्रोक मारते हैं, तो उल्टे स्ट्रोक से भी आप तार को धक्का दे रहे हैं और हाथ से भी खींच रहे हैं, सो द बैलेंस इज नॉट करेक्ट। उसकी जो ज्योमेट्री है वो ये है कि आपने ये खींचा और इससे आपने तो परफेक्ट नोट के ऊपर जाके आप सुर पे रुक सकते हैं, इसीलिए उल्टे स्ट्रोक से अलाप नहीं होता। लेकिन सरोद में है, और पंडित जी रविशंकर जी भी कभी कभी उल्टे स्ट्रोक से बजाया करते थे, इसीलिए क्योंकि वो सरोद के उस्ताद की सिखाए गए थे। सरोद का सीधा स्ट्रोक ये है, बाहर टक देन शिकारी आती है, लेकिन सितार में सीधा स्ट्रोक ये आता है, तो अलाप का स्ट्रोक। इसीलिए जोड़, जब हम जोड़ हम बजाते, जोड़ झाला, जोड़ का जो अलाप बजाते हैं, इन स्ट्रोक से ही बजाते हैं। तो सिंपल मीनिंग है कि अलाप, जो आप तार खींच रहे हैं और इधर से तो तार नीचे जा रहा है, इधर से ऊपर आ रहा है, तो एक जगह जाके परफेक्ट नोट मिलेगा आपको स्वर में। और अगर उल्टे स्ट्रोक से आप बजाने जाएंगे, तो इवन एट द सेम टाइम यू आर पुलिंग एंड यू आर पुशिंग द वायर, यू कैन गो लिटिल ऑफ टीम। बंदिश वो अलग चीज होगी, बांधा हुआ, बंदिश मतलब बांधा हुआ, स्वरों को ताल के मात्रों में बांधना, उसे बंदिश कहते हैं। एक्चुअल गत वर्ड जो है पर्शियन वर्ड है, गत बॉडी को कहते हैं। आपने नहीं सुना होगा, कई बार हम दोस्तों को बोलते हैं, अरे क्या गति बना रखी है यार आजकल, तुम ना गाड़ी बनाते हो ना कुछ कपड़े पहने। गत स्ट्रक्चर को कहते हैं, बॉडी को कहते हैं, राग की स्ट्रक्चर, राग की बॉडी है गत, पूरा राग गत में दिखाई देता है। गत शुरू होते ही आप उठते हैं राग, कई दफा अलाप में राग किसी किसी आर्टिस्ट से नहीं खुलता, लेकिन गत में वो बिल्कुल जाके स्पष्ट हो जाता है। सो गत जिस्म है, गत बॉडी है, पर्शियन में ये वर्ड गत जिस्म को, बॉडी को कहते हैं। तो राग का जिस्म जो है वो गत है, बॉडी, तो इसलिए वो राग का जिस्म है, तो इतनी परफेक्ट हो कि वो राग में ही रहे।